सुबह 4:45 का टाइम है, 6:20 पे नमाज होनी है। मिधा मंथा सोई हुई है, नहीं तो उन्होंने गाड़ी देख के पागल हो जाना था कि बस। देखें जी, ये इन्होंने खड़े किए हैं हमारे टाउन पे। ये एक हल्क भाई साहब को खड़ा कर दिया ला के, और एक ये ग्रूट को तो नहीं लेके गए थे नमाज पढ़ने के लिए है। मिधा कैसे उजड़ी हो, आपको ईद नमाज के लिए नहीं ले गए? चलो ईद मिल लो, ईद तो मिल लो, सलाम लो। आग लग गया। ओए ओए, उठते ही तंग करने लगी, उठते ही तंग करने लगी। तैयार होने दो उसे, आइस कर ला ला आइस कर। आओ मेरे बेटा, आओ आपको तैयार करें। आजो 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 आजो, तैयारी करें, आजो तैयारी करें, आजो तैयारी करें, आजो तैयारी करें, आजो तैयारी करें, आओ तैयारी करें, आओ तैयारी करें। ये है जी मेरा ईद का ड्रेस जो कि शिस्ती है, और ये है हमारी कद्दू के कपड़े। मुंतहा क्या, मुंतहा भी हमारे साथ ईद नमाज पढ़ने जाएगी। सुबह 4:45 का टाइम है, 6:20 पे नमाज होनी है। नमाज पढ़ने जाना है हमने, जाने से पता सुन्नत पूरी कर लें, कुछ मीठा खा लें। चलो चलो चलो, लेट हो गए लेट हो गए लेट हो गए। माशाल्लाह दिन चढ़ गया हुआ। इस मैडम को आज जल्दी उठा के दिया, उसका मूड ही सेट नहीं हो रहा। वो कह रही मुझे नीचे उतारे नहीं। मैंने कहा चलो मैं पिक्स बना दूँ, तैयार शायद होगी है रेडी माशाल्लाह। लेकिन वो उसका नखरा ही नहीं पूरा हो रहा अभी। देख देखो तो सही बेटा। चौके आग लग गया। हमारी शहजादी, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप सबको हमारी तरफ से। ईद मुबारक बेटा, नमाज पढ़ लिया जी हमने ईद की। ईद के दिन भी बेचारी को लेके आना पड़ा है, ईद की नमाज के बाद। अभी तो नहीं लेके गए थे ईद नमाज पढ़ने के लिए है। मिधा कैसे उजड़ी हो, आपको ईद नमाज के लिए नहीं ले गए? चलो ईद मिल लो, ईद तो मिल लो, सलाम लो, सलाम हैंडशेक करो सीधे हैंड से। ईद मुबारक, खुशी भी दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ईद नमाज पढ़ के हम आ गए हैं वापस। तो बस ईद इतनी होती है, और ईद क्या होता है, सुबह सुबह उठना नहाना, ईद की नमाज पढ़ के आना, पढ़ के आ गए हैं बस। बाकी ईद तो बच्चों की होती है, बच्चे अब तैयार शायद होंगे। मुंतहा को सुबह उठा लिया था जी जनाब, सुबह सुबह उसका मूड ही ठीक नहीं हुआ है, उसने दो दो के बुरा हाल किया हुआ है, बस सुला रहे हैं।
वो इसको लेके गए नहीं थे, ये अभी तैयार शायद हुई नहीं है अभी, तो फिलहाल सो जाते हैं थोड़ा सा फ्रेश हो के, क्योंकि रात में देर से सोया था, 5 बजे तक दूध पीना है, ये दूध वाली चीज़ें पूरी करते हैं, उसके बाद उठ के फिर बच्चों को कहीं बाहर लेके जाएंगे। हाँ जी, दूध पीना है आपने? पीना है आपने? पीना इतनी अच्छी खासी है जी, ईद का दिन है, चलो आज ही कोई बादल छादल आ जाते यार अच्छा हो जाता। मैं अभी इनको बैठा हूँ, इनको लेके जाने लगा था टाउन के अंदर ही, कोई इनकी वीडियो शीडियो बनाने, कार्टून से बड़े बड़े से कार्टून वहीं पे जा रहे थे, देखे जी ये इन्होंने खड़े किए हमारे टाउन पे, ये एक हल्क भाई साहब को खड़ा कर दिया ला के, और एक ये ग्रूट जो जॉन साहब एवेंजर्स मूवी में आते होते हैं, ये उनके मतलब के करेक्टर्स हैं ये जी बाबा, ये इन्होंने फ़ोटोशूट के लिए यहाँ पे ना सारे टिकटॉकर्स पाए जाते हैं इस टाइम, ये देखें कुछ आए भी होंगे वो खड़े हैं यहाँ पे, ये सिर पर उन्होंने थोड़ा सा और शाइन देने के लिए ये भी खड़े कर दिए ला के, यहाँ पर इनका फ़ोटोशूट करते हैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम भाई जान, ईद मुबारक आपको भी, वेट करो वेट करो वेट करो, वो खुद ही झूले ले जा रही है, लो झूले कैसे लेने हैं, झूले लो हिलाओ इसको ऐसे करो, ओए पिक्स क्या बना लिया, वो डरी जा रही है, इससे भी डर रही है और इससे भी डरी जा रही है, भाग रही है बार बार। हाँ जी क्या करें, अब बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आते ही सो गई हैं, वैसे भी टाइम हो गया था इनका सोने का, ये भी नहीं सोई थी ये भी नहीं सोई, सुबह से आकर तंगी कर दी, अभी सो गई हैं, इनकी ईद पूरी हो गई है, बताया हुआ उसकी गाड़ी खड़ी है, मेधा मंथा सोई हुई है, नहीं तो उन्होंने गाड़ी देख के पागल हो जाना था कि बस गाड़ी आ गई है हमें ले जाओ इसके अंदर। ईद ख़त्म हो गई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आम दिनों जैसा एक दिन नहीं है, सुबह उठ के लगा था कि नमाज जब पढ़ने गए हैं तो ईद है, यहाँ बच्चों के साथ ही। अब ये है कि गर्मी इतनी है कि इस टाइम बच्चों को बाइक पे तो कहीं लेके जा सकते नहीं है, और गाड़ी है नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक देंगे गाड़ी भी, रात को देखेंगे शाम को क्या माहौल है क्या सीन है, अगर हुआ को बच्चों को पार्क वगैरह ले जाएंगे, क्योंकि ईद का पहला दिन है, शाम को रश तो बहुत ज़्यादा होना है, बच्चे फ़िलहाल सो चुके हैं, बस सोने की तैयारी करते हैं और क्या, दोपहर का टाइम, अब टाइम तो गुजर नहीं रहा, घूम फिर के देख लिया, कोई काम भी नहीं है करने वाला, सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं, आज जॉब पे मेरा कोलीग है, छुट्टी तो हमें होती नहीं है, तो कल को मैंने जॉब ज्वाइन कर लेनी है और आगे 4 दिन मेरी जॉब रहनी है, तो खैर फिलहाल आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, ईद मुबारक आप सबको एक बार फिर से, खैर मुबारक मेरी तरफ से भी, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ज़्यादा देर दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।